इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9A की। तो एक्सरसाइज 9A में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रिलेटेड हैं रेशो से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो रेशो है वो क्या होता है। तो देखिए, रेशो क्या होता है हमारे पास, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स एंड क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास कंपैरिजन होता है दो नंबर्स के बीच का और क्वांटिटीज के बीच का, अगर क्वांटिटीज किसमें हो, सेम यूनिट्स में हो। और रेशो का जो हमारे पास सिंबल होता है ये दो डॉट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे 2:3, इसको हम कैसे रीड करेंगे, 2:3। अब इसकी जो पहली टर्म होगी वो होगी एंटीसीडेंट, उसको क्या कहेंगे पहली टर्म को, एंटीसीडेंट। एंड सेकेंड टर्म जो होगी रेशो की उसको कहेंगे हम कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब जो हमारे पास ये होता है ना रेशो, इसको इसी तरह से हम राइट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पास कुछ और तरह से भी आ सकता है। ठीक है ना, मतलब हम राइट कर सकते हैं या फिर हमें क्वेश्चंस में दिया होगा तो वो कुछ और तरह से भी दिया गया हो सकता है। जैसे एक तो यही हो गया, ठीक है ना, मान लो मैं 2:3 को ही लिखूंगा, तो 2:3 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2:3। ठीक है, नंबर वन तो ये हो गया, फिर मैं लिख सकता हूं इसको 2/3, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको रेशो को, इसका मतलब भी ये है 2:3 और ये भी 2:3, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/3। इन सभी का मतलब क्या है, रेशो है। ठीक है ना, किस किस के बीच का, 2 और 3 के बीच का। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज 9A को देखते हैं अभी। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यहाँ पे कुछ रेशोस दिए गए हैं जिनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होती है। तो देखिए, रेशो में हमें दो नंबर दिए गए हैं, तो उन दोनों नंबरों के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं रहता है 1 के अलावा, तो इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अदरवाइज वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमको उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना होगा। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर इसको समझे हम, तो वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, किसी नंबर की टेबल में नहीं आने चाहिए 1 के अलावा। जैसे यहाँ पे 12:16 है, तो ये 2 की टेबल में भी आते हैं और ये 4 की टेबल में भी आते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। तो 2 का रूल क्या होता है, 2 का रूल होता है डिविजिबिलिटी का, कि अगर किसी नंबर की लास्ट की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, तो इसको कर लेते हैं 2:6 12 एंड 2:8 16। अभी भी ये 2 की टेबल में ही आते हैं दोनों। ठीक है ना, तो फिर कर लेते हैं इसको, तो 2:3 6 एंड 2:4 8। अब देखिए, ये 3:4 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये 12:16 की क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों नंबर अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे। 4 हो जाएगा 2 से, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा। हमें क्या देखना है कि वो दोनों नंबर किसी एक नंबर से ही डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 12:16 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 3:4। सेकंड पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे फिर कर लेते हैं 2 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेता हूं मैं इसको, तो ये 2:3 जा एंड ये 36 पे जाएगा, और ये इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो जाएगा 15 पे। ठीक है, फिर इसको 3 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये जाएगा 12 पे और ये जाएगा 5 पे। अब जो 12 और 5 है ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो 72:30 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी हमारे पास 12:5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको 3 से करें, 2 से करें, इस तरह से करें, आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे 6 से। ठीक है ना, अगर आपको याद आ जाता है तो आप 6 से करें सीधा, 6:1 6, 6:2 12 एंड 6:5 30। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसी तरह से कर सकते थे सीधा 4 से, 4:3 एंड 4:4। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 33:55। इसको कर लेते हैं, तो ये डिविजिबल है 11 से, तो ये 3 पे जाएगा और ये जाएगा यहाँ पे 5 पे। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 3:5। इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो लाइक डेसिमल्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो कट हो जाएगा, तो आ गया 2:8। अब इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये जाएगा 2 से 1 पे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं और ये जाएगा 4 पे। तो 0.2:0.8 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 1:4। अगला देख लेते हैं, पॉइंट के बाद दोनों में दो दो डिजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 1:04:26। ठीक है ना, आगे 0 तो राइट नहीं करेंगे, कर लेते हैं इसको किससे, 2 से ही कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये जाएगा 52 पे और ये जाएगा कितने पे, 13 पे। अब इसको 13 से कर लेते हैं डिवाइड, तो ये 4 पे जाएगा और ये 1 पे। तो इन दोनों की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 4:1। इसका 6th पार्ट यहाँ पे दिया गया है, 6 kg and 48 kg। ठीक है, 6 kg/48 kg सेम यूनिट में है। ठीक है, दो क्वांटिटीज है यहाँ पे, तो सेम यूनिट है यहाँ पे केजी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6:48 लिख देता हूँ, कर लेता हूँ इसको सीधा 6 से कर लेता हूँ, ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 8 पे। ठीक है, तो 6 kg/48 kg का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगा 1:8।
अगला यहां पे इसका ये तो था सिक्स्थ पार्ट, ठीक है सेवंथ पार्ट देख लेते हैं इसका। तो सेवंथ पार्ट यहां पे क्या दिया गया है हमको, 1 cm ratio 1 mm, 1 cm ratio 1 mm। देखिए इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम क्योंकि इनकी जो यूनिट्स हैं वो दोनों की डिफरेंट है, ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में। तो क्या करेंगे हम, या तो इसको मिलीमीटर में कर दें या फिर इसको सेंटीमीटर में कर दें, ठीक है ना, दोनों को सेम रखना है। तो मैं क्या करता हूं 1 cm को मिलीमीटर में चेंज कर देता हूं। तो 1 cm में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये होते हैं 10 mm, ठीक है, और ये आ गया यहां पे 1 mm, सेम यूनिट में आ गया। अब कर लेते हैं इसको 10 ratio 1, ठीक है। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1 cm ratio 1 mm की होगी 10 ratio 1। इसका 8th पार्ट देख लेते हैं। तो 8th पार्ट में हमको दिया गया है 20 ml and 1 L, 20 ml ratio 1 L। यहां पे देखिए ml है, यहां पे लीटर है, तो सेम यूनिट में नहीं है, तो सेम यूनिट में करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 20 ml और ये आ गया रेशो 1000 ml, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो सेम यूनिट में आ गया, तो यहां पे राइट करता हूं 20 ratio 1000। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 ratio 100 रह गया, कट कर लेते हैं इसको, 1 से जाएगा और ये 50। तो 1 ratio 50 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 20 ml ratio 1 L का, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसका। तो यहां पे देखिए इसका कौन सा हो गया, 8th पार्ट हो गया। तो 9th देखते हैं, 300 m 1 km, 9th पार्ट में 300 m ratio ये कितना है 1 km। अभी देखिए यहां पे यूनिट सेम नहीं है, एक मीटर में है एक किलोमीटर में है, तो किसी एक को हम क्या कर लेते हैं दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब मीटर को किलोमीटर में कर लीजिए, किलोमीटर को मीटर में कर लीजिए। तो यहां पे किलोमीटर को मीटर में कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 300 m, ये रेशो 1 km में कितने मीटर, 1000 m, ठीक है। तो 1000 m आ गया, तो सेम यूनिट में आ गया, तो राइट कर लेते हैं इसको 300 ratio 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 3 ratio 10। तो 300 m ratio 1 km का जो यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, 3 ratio 10 होगा। इसका 10th पार्ट देखता हूं मैं, तो 10th पार्ट में हमको दिया गया 1 hour 20 minutes, ठीक है, 1 hour ratio 20 minutes, डिफरेंट यूनिट्स है, सेम में कर लेते हैं। तो 1 hour को किसमें मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 minutes, एक घंटे में 60 minutes होते हैं, एंड रेशो ये आ जाएगा 20 minutes। तो अभी ये सेम यूनिट में आ गए हैं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं, तो 60 ratio 20 को करेंगे, तो यहां पे 20 से कर देता हूं मैं सीधा, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे, और ये जाएगा 3 पे, तो 3 ratio 1 इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। 11th पार्ट देखते हैं इसका। तो यहां पे है 73 days 1 year, 73 days ratio 1 year, यहां पे डेज है यहां पे ईयर है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, एक ईयर में डेज लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 73 days और यहां पे ये रेशो 365 days, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 days होते हैं, ठीक है। तो 73 ratio 365 कितने पे जाएगा, ये जाएगा यहां पे 73 से कर लेता हूं मैं सीधा 1, और ये इसको डिवाइड करेगा कितने पे, 5 पे, तो ये होगा हमारा 1 ratio 5। इस किसका रेशो, सिंपलेस्ट फॉर्म 73 days ratio 1 year का। रुपी 5 इसका 12th पार्ट है, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं 12th पार्ट को, क्या है ये रुपी 5 ratio 5 पैसे, 50 पैसे, डिफरेंट यूनिट्स हैं, एक रुपए में है एक पैसे में है, तो क्या करेंगे, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रुपए को मैं पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूं, 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 500, क्योंकि एक में 100 होता है तो 5 में 500, तो ये 500 पैसे, ठीक है भाई, एंड रेशो ये 50 पैसे, तो ये आ गया हमारे पास 500 ratio 50। तो ये 0 से 0, अब यहां पे 50 ratio 5 रह गया, तो 5 से कर लेते हैं यहां पे 1 और यहां पे 10, तो 10 ratio 1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ₹5 ratio 50 पैसे की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहां पे दिया गया है कि एक आदमी एक साल में 7500 रुपीज कमाता है और वो उनमें से 6300 रुपीज खर्च कर देता है, तो हमें यहां पे रेशो फाइंड आउट करना है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसकी सेविंग और इनकम का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो जो चीजें दी गई है उनको राइट कर लेंगे। तो यहां पे देखिए उसकी इनकम दी गई है कितनी, 7500 रुपीज, उसका जो यहां पे खर्चा है वो कितना दिया गया, 6300, तो मैं राइट कर लूंगा एक्सपेंडिचर इट इज इक्वल टू ₹6300। अभी हम यहां पे ना सेविंग निकाल लेते हैं, सेविंग क्यों निकाल देंगे,
क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा गया है रेशो किस किस का, सेविंग और इनकम का, तो इसलिए हमें सेविंग भी चाहिएगी। तो यहाँ पे सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके, ठीक है, जितना कमाया उसमें से खर्चा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना जाएगा, 7500 में से जब हम 600-300 को माइनस करेंगे ये आएगा 1200। तो इसके फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अभी यहां पे पूछा गया है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो, तो मैं यहां पे राइट कर देता हूं इनकम रेशो एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम कितनी है यहां पे, ये है 7500, ठीक है, 7500, और एक्सपेंडिचर कितना है यहां पे, ये है 6300। तो 6300, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, बचा यहां पे 75:63, इनको कट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 पे, 3 से कट कर रहा हूं मैं इनको, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 21 पे। तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो है वो होगा 25:21। सेकंड पार्ट में मैं देख लेता हूं यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेविंग रेशो इनकम, तो ये देख लेता हूं मैं सेविंग रेशो इनकम। सेविंग देखिए कितनी है यहाँ पे, ये है 1200, कितनी है यहाँ पे 1200, और इनकम है यहाँ पे 7500, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, बचा यहां पे 12:75। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो कर लेते हैं 3 से डिवाइड, ठीक है, 4 पे जाएगा और ये 25 पे जाएगा, तो 4:25 इसकी सेविंग और इसकी इनकम का रेशो होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहां पे दिया गया है कि एक बैग में 5 kg राइस है, उनमें से 1500 ग्राम राइस निकाला जाता है कुकिंग के लिए, तो हमें यहां पे रेशो फाइंड आउट करना है जो अमाउंट राइस का निकाला गया है उसका और जो अमाउंट बैग में लेफ्ट बचा है राइस का उसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीजें गिवन है उनको राइट कर लेते हैं। तो यहां पे मैं राइट कर लूंगा टोटल राइस, ठीक है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस भी लिख सकते हो आप। तो टोटल राइस यहां पे कितना है, ये है 5 kg, ठीक है भाई। अब यहां पे ना ये ग्राम में निकाला गया है तो लेफ्ट भी हमें किस में रखना होगा, ग्राम में रखना होगा, इसलिए मैं यहां पे क्या करता हूं 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 kg में 1000 होता है ग्राम, और तो 5 kg में हो जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो राइस निकाला गया है उसको राइट कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख लूंगा टेकन आउट राइस, ठीक है, टेकन आउट राइस। तो ये कितना निकाला गया है, ये निकाला गया है 1500 ग्राम। तो लेफ्ट राइस कितना बचा, बैग में जो लेफ्ट बचा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का जो रेशो है वो पूछा गया है। पहले था कितना 5000 और निकाला कितना क्या है 1500, तो 5000 में से 1500 को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस 1500 ग्राम, तो ये बच जाएगा 3500 ग्राम। इतना राइस निकालने के बाद बैग में इतना राइस बचा, हमें इन्हीं का जो रेशो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां पर राइट कर दूंगा टेकन आउट रेशो लेफ्ट, ठीक है ना, आप ऐसे राइट कर सकते हो, टेकन आउट राइस एंड लेफ्ट राइस, मैं सीधा राइट कर रहा हूं यहां पे टेकन आउट एंड रेशो लेफ्ट। तो कितना निकाला गया, ये निकाला गया 1500, ठीक है, तो लेफ्ट कितना बचा, ये बचा 3500, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 15:35 कट कर लेंगे यहां पे, 5 से कर रहा हूं मैं इसको 3 एंड इसको कर रहा हूं 5 से, तो ये 7। तो टेकन आउट राइस और लेफ्ट राइस का जो रेशो है वो यहाँ पे बचा है कितना 3:7। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे दिया गया है कि एक एलॉय में 3+1/2 ग्राम कॉपर है और 2+3/4 ग्राम टिन है, तो हमें यहाँ पे कॉपर और टिन का रेशो फाइंड आउट करना है उस एलॉय में सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, राइट कर लेता हूं कॉपर रेशो टिन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर कितना है इसमें, ये है 3+1/2 ग्राम, एंड यहां पे टिन कितना है, ये है 2+3/4 ग्राम, मिक्स में है, इम्प्रोपर में कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहां पे कितना 7/2 ग्राम, एंड ये आ जाएगा यहां पे 11/4, ठीक है। अब देखिए ये ना फ्रैक्शन में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/4 = 28 एंड रेशो ये हो जाएगा 2 × 11 = 22, ठीक है। तो यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा किससे 2 से, कितने पे 14 पे, और ये कट जाएगा कितने पे 11 पे। तो उस एलॉय में जो कॉपर और टिन का रेशो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो होगा 14:11। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको यहाँ पे दिया गया है कि एक बुक शॉप में 5/12 ऑफ द पीपल मेल्स हैं, तो हमें यहाँ पे रेशो राइट करना है मेल्स और फीमेल्स का उस शॉप में। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है 5/12 ऑफ द पीपल आर मेल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो
12 है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल है और उनमें से जो 5 है वो मेल्स है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, क्या राइट करेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे कितना है, ये है 12, और नंबर ऑफ मेल्स यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ मेल्स। तो मेल्स है यहाँ पे कितना, 5, क्योंकि दिया गया है 5/12 ऑफ द पीपल आर मेल्स, तो 12 में से जो 5 है वो क्या है, मेल्स है। तो नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल लेंगे यहां पे, ठीक है, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल्स कितने होंगे, देखिए टोटल जो पीपल है वो तो 12 है और मेल्स यहां पे 5 है, तो इसको माइनस कर देंगे, जो बचेंगे यहां पे वो क्या होंगी, फीमेल्स होंगी। रेशो राइट करना है किस किस का, मेल्स और फीमेल्स का, तो यहां पे मैं राइट कर दूंगा मेल्स रेशो फीमेल्स। ठीक है, तो मेल्स कितने हैं यहां पे, ये हैं 5, एंड रेशो फीमेल्स कितना है यहां पे, ये है 7। तो मेल्स और फीमेल्स का जो रेशो है उस शॉप में वो कितना है, 5:7 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि 9 डेज और 3 वीक्स का जो रेशो है वो इनमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर लेते हैं 9 days ratio 3 weeks, 9 days ratio 3 weeks। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो ये क्वांटिटीज है दोनों सेम यूनिट में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सेम यूनिट में राइट करेंगे, तो या तो आप डेज को वीक्स में कन्वर्ट कर लें या वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लें। मैं यहाँ पे जो ये वीक्स है इनको डेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, 1 week में कितने डेज होते हैं, 7 days होते हैं, तो 3 weeks में हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहां पर मैं राइट कर दूंगा 9 days ratio 3 multiply 7 days। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9 days ratio 3 7 21 days। अभी ये दोनों सेम यूनिट में है तो राइट कर लेंगे 9 ratio 21, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं, तो ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये 3 पे जाएगा और ये जाएगा 7 पे, तो 3:7 जो इन दोनों का यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको यहां पे एक वर्ड दिया गया है मैथमेटिक्स, तो इस वर्ड के लिए हमको रेशो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कंसोनेंट्स एंड नंबर ऑफ वोवल्स का, और फिर इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि इसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैंने यहां पे राइट कर लिया है इस वर्ड को, ये है मैथमेटिक्स। तो देखिये यहां पे कंसोनेंट्स और वोवल्स का जो रेशो है वो फाइंड आउट करना है। तो वोवल्स होते क्या है, ये होते हैं ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो इस वर्ड में हम देखते हैं वोवल्स को, एक तो यहां पे ये हो गया ए, फिर यहां पे ये ई हो गया, ठीक है ना, यहां पे ये ए हो गया और यहां पे ये आई हो गया, तो वोवल्स लिख लेता हूं मैं इसमें। ठीक है ना, तो वोवल्स कितने हैं यहां पे, ये 1 2 3 4 वोवल्स हैं। कंसोनेंट्स राइट कर लेते हैं, कंसोनेंट्स, तो कंसोनेंट्स कितने हैं यहां पे, देखिए इस वर्ड में टोटल जो लेटर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल यहां पे जो लेटर्स हैं वो हैं 11, और यहां पे जो वोवल्स हैं वो कितने हैं, 4 है, तो कंसोनेंट कितने हो गए, ये हो गए 11 में से 4 जाएगा तो 7। तो राइट कर लेते हैं कंसोनेंट्स रेशो, कंसोनेंट्स रेशो वोवल्स। ठीक है, तो कंसोनेंट कितने यहां पे, 7 है, और वोवल्स कितने हैं, 4 है, तो 7:4 आएगा इसका, तो इसके लिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम की जो लेंथ है वो है 1/2 meter, उसकी विड्थ यहाँ पे दी गई है 3/4 meter, तो हमें यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है उस रेक्टेंगुलर फ्रेम की विड्थ और लेंथ का। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो लेंथ कितना है, ये है 1/2 meter। ठीक है, अभी इसकी विड्थ राइट कर लेते हैं, तो विड्थ कितनी दी गई है यहाँ पे, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम ये है 3/4 meter। क्या राइट करना है, विड्थ और लेंथ का रेशो, तो मैं यहां पे राइट कर लेता हूं विड्थ रेशो लेंथ। ठीक है, अब देखिए विड्थ कितना है यहां पे, ये है 3/4, और लेंथ कितना है यहां पे, ये है 1/2, तो फ्रैक्शन में हमारे रेशो आए हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 2 6, ठीक है, यहां पर रेशो, एंड ये 4 1 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो राइट करेंगे इसको, मतलब कट करेंगे यहां पर, तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा, एंड यहाँ पे 2 2 जा, तो 3:2 इसका जो हमारा विड्थ और लेंथ का रेशो है वो आएगा। 3:2 किस में है यहाँ पे, ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स का बिटवीन द नंबर्स 1 to 50, लेकिन आगे इसमें बोला गया है कि इसमें जो 1 और 50 है वो भी शामिल है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स का, वो हमें फाइंड आउट करना है एक से लेके 50 तक के नंबर्स का। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले राइट कर लेता हूं कि जो प्राइम नंबर्स हैं एक से लेके 50 तक वो कितने होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं प्राइम नंबर्स 1 to 50। ठीक है, 1 to 50। तो एक से लेके 50 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे होते हैं कितने, 15। 1 to 50 तो होते हैं 15, एंड 51 to 100 ये होते हैं हमारे 10। तो इसका मतलब एक से लेके जो 100 तक के प्राइम नंबर्स हैं वो होते हैं हमारे 15 plus 10 25। बट हमें तो यहाँ पे 50 तक के चाहिए, तो 1 से लेके 50 तक ये रहेंगे 15। अभी मैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर राइट कर देता हूँ। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स 1 to 50 तो ये कितने होंगे। देखिए यहाँ पे हमारे 1 to 50 में जो टोटल नंबर है वो तो 50 रहेंगे, एक से लेके 50 तक 50 रहेंगे। इसमें से मैं ये प्राइम नंबर माइनस कर देता हूं, तो टोटल में से मैं प्राइम माइनस कर दूंगा तो ये कंपोजिट आ जाएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पे जो वन है ना, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये तो मेरे क्या आ गए, प्राइम आ गए। तो 50 में से मैं इन प्राइम को तो निकाल दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 35। लेकिन मुझे 1 को भी माइनस करना होगा इसमें से, तो इसलिए मैं 1 भी माइनस कर दूंगा। तो 50 में से यहां पे 16 माइनस जाएगा, तो ये बचेगा 34। निकालना क्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का रेशो। ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड रेशो कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कितने भाई, यहां पे ये हैं 15 और कंपोजिट नंबर्स 34। ठीक है, देख लेते हैं क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसी से डिवाइड हो सकते हैं, 3 से नहीं होते तो ठीक है भाई, ये यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसलिए जो 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का रेशो होगा वो होगा 15:34। यहाँ पे हमको अंकिता की एज दी गई है 18 इयर्स, उसके ब्रदर अपूर्व की एज दी गई है 16 इयर्स। तो हमें यहाँ पे उन दोनों की एज का जो रेशो है वो फाइंड आउट करना है। आगे इसमें हमें उन दोनों की एज का रेशो फाइंड आउट करना है आफ्टर 8 इयर्स। तो पहले इन दोनों की एज का जो रेशो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो राइट कर लेते हैं यहाँ पे अंकिताज एज। ठीक है, अंकिताज एज, अंकिता की एज, एंड यहाँ पे रेशो अपूर्व की एज। ठीक है भाई, अपूर्व एज। ठीक है, तो अंकिता की कितनी है यहाँ पे 18 इयर्स है, एंड इसकी अपूर्व की कितनी है, ये है 16 इयर्स। तो यहाँ पे इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 2, और 18 जाएगा 9 पे। ठीक है ना, तो 2 9 जा, एंड यहाँ पे 2 8 जा। तो इन दोनों की जो एज का रेशो है वो क्या आ गया, 9:8 आ गया। बट आफ्टर 8 इयर्स क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा आफ्टर 8 इयर्स। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में पूछा है कि आफ्टर 8 इयर्स उन दोनों की एज का रेशो क्या होगा, तो अभी राइट कर लेते हैं। देखिए पहले उसकी जो एज थी वो कितनी थी, 18 इयर्स, तो मैं यहां पे राइट कर दूंगा 18 इयर्स प्लस में 8 इयर्स। ठीक है, ये चल रहा है यहां पे अंकिता एज एंड अपूर्व एज, 8 इयर्स रेशो। अपूर्व की एज कितनी है यहां पे, ये 16 इयर्स, ठीक है ना, एंड प्लस में 8 इयर्स, 8 साल बाद क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 8 8 दोनों में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 इयर्स। ठीक है भाई, और रेशो ये हो जाएगा, नहीं ये 26 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 24 हो जाएगा, 24 इयर्स। अब हम क्या करें यहाँ पे 26 रेशो 24 लिख लेते हैं, इनको कट कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं, मतलब तो ये हो जाएगा 2 से 2 1 जा 2 3 जा, एंड ये 2 1 जा 2 2 जा, 13:12 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसलिए आफ्टर 8 इयर्स इन दोनों की जो एज है वो होगी 13:12।